नाज़रीन, आज बिल्कुल बराए रास्त कोलकाता से हो रहे हैं और कोलकाता में एक टूरिज़म फेयर होता है। टूरिज़म फेयर के साथ साथ यहाँ लोग आते हैं अपने अपने स्टेट को प्रमोट करने के लिए। इसी के साथ हमारे साथ एक दोस्त जुड़े हैं जो कि कोलकाता से ही है, तो आइए इनसे पूछते हैं कि आखिर ये जो यहाँ पे टूरिज़म फेयर लगता है इस हवाले से वो बता दें कि आखिर होता क्या है, क्यों ऐसा करना पड़ता है। मेरा नाम देवा प्रदीप घोष है, मैं कोलकाता से ही हूँ। यहाँ पर हम लोग ये जो टीटीएफ होता है ये एक्चुअली टोटल इसका जो होता है ये विश्व बांग्ला प्रांगण में होता है। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टूरिज्म में जो विभिन्न स्टेट से दूसरा कंट्री से यहाँ पर आते हैं, एक अम्ब्रेला के नीचे हम लोग इकट्ठे होते हैं। जैसे बी टू बी मीट यहाँ पर होता है, फर्स्ट डे और सेकेंड डे हाफ एंड लास्ट में बी टू सी में हो रहा है, तो अच्छा फूड पर खासा यहाँ पर होता है। हाँ, ये वाला ये है थोड़ा बाईपास पे होता है इसलिए थोड़ा तो कम होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग जो बिजनेस मिलते हैं यहाँ पर वो भी काफ़ी अच्छा है। और उस लीड से हम लोगों का जो साल जो आता है उसमें हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और कोलकाता का एक दूसरा ही वो जो होता है वो तो यहाँ पर जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, तो हम लोग यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर सब मिल के मिल बांट के यहाँ पर काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं। और बस यही एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो आपने बताया मुझे कि आप बेसिक कोलकाता से ही हैं, आप टूरिज़म में हैं, तो यहाँ से कश्मीर के लिए क्या सफ़र हो रहा है, वो कैसे कितनी बार लोग जानना चाहते हैं। देखिए कोलकाता भी कैसे होता है, कश्मीर भी कैसे होता है, तो एक टीके फैक्टर यहाँ पर है क्योंकि कोलकाता से जितना लोग कश्मीर जाते हैं साल में, तो मेरा लगता है मोटा मोटी 80% लोग कश्मीर घूम चुके हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा जगह के स्टेट के सके वेस्ट बंगाल के थोड़ा जो है यहाँ पर जो लोग हैं ये ज़्यादा घूमते हैं। हालांकि इसका बजट बहुत होता है साल में, लेकिन वो दो तीन बार घूमते हैं। क्यों कंटिन्यू तो जैसे आप सोच लीजिए राजस्थान हो, गुजरात हो, मुंबई, यहाँ पर एक टूर करते हैं, बड़ा टूर करते हैं, इसका बजट भी ज़्यादा होता है, लाखों का बजट होता है, लेकिन यहाँ का बजट ज़्यादा होता है, लेकिन ये दो तीन टूर करते हैं साल में। इसलिए यहाँ पर कोलकाता की आप लोग जो कश्मीर से आ रहे हैं कोलकाता में बिजनेस में भी आपको दूसरा आपका बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा कि कोलकाता में और भी कश्मीर का बिजनेस अच्छा होगा। और एक जो है अभी कोलकाता में ट्रेड चल रहा है ऑफबीट कश्मीर, तो यहाँ पर ऑफबीट कश्मीर जितने जो क्योंकि कश्मीर जो घूम चुका है उसके लिए ऑफबीट कश्मीर कोटानकोट जो है उसके लिए अच्छा होगा, इसमें हम काम करेंगे। और बाकी तो जो कश्मीरी जो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग टू एवरीवन, मैं यहाँ पे आया, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने जेके टूरिज़्म का जिनने मेरे को ये काम में जो उनने मेरे को जो फील ये जो वेवर दिखाई है। तो इससे पहले जो मैं काम किया करता था आई थिंक सो मेरे को मेरा फ्यूचर बिल्कुल डल लग रहा था। अब तो जब मैं ये टूरिज़म ट्रेड में आया तो मैंने अपने आप को इस कदर फील किया है कि मैं अब खुद को लग रहा है मेरे को मैं कहीं पे कैपेबल हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। टूरिज़्म एक ऐसा फील्ड है अगर बंदा यहाँ पे चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता है, बस बड़ी चीज़ होती है वो डिडक्शन होती है। जेके टूरिज़्म की तरफ से मेरे को जो ये शो मिला है आई वॉज़ वेरी थैंकफुल फॉर दैट, और मेरे को एक ब्राइटनेस यहाँ पर फील हुआ है। तो मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं उनका बहुत से हद से ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को ये फील्ड में आने का मौका मिला है। आई एम टेलिंग टू एवरी वन, मैं हर एक को यही चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई हौसला अगर बंदे का ऊँचा हो तो वो क्या नहीं कर सकता है। जो कि टूरिज़्म की तरफ से मेरे को यही चीज़ जो ये ऑफर मिला था जब मैंने पहले रजिस्ट्रेशन करने गया था, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे मेरे को एक भूमिका नाम है मेरा साहब, तो उन्होंने मेरे को प्रॉपर गाइडलाइन किया, वो जेके टूरिज़्म से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली जब उनको मैंने अपना सर्टिफिकेट भी दिखाया कि सर मैंने ऐसा किया, मैं एक डिग्री होल्डर हूँ, अभी बैठा हूँ घर पर, तो स्ट्रेस बढ़ रहा है मेरे ऊपर, तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट उन्होंने मेरे को प्रॉपर गाइडलाइन किया। फिर मेरे को एक बंदे से मिलाया, तो वहाँ से मैंने अपना रजिस्ट्रेशन ले लिया जेके टूरिज़्म का, मैं वहाँ से भी फिर से एक बार शुक्रगुजार हूँ। और मैं इस फील्ड में और मेरा वर्क जो है दिन ब दिन डेवलप हो रहा है। ऑल क्रेडिट गोज टू द जेके टूरिज़्म, शुक्रगुजार हूँ कि आप हमें हमेशा गौरव करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मेरा नाम जावेद है, हम आए हैं कश्मीर से अपने कश्मीर को प्रमोट के लिए, यहाँ पे जो कोलकाता में टीटीएफ है उसके लिए आए हैं। तो हमारा यहाँ पे ये स्टॉल लगा हुआ है कश्मीर को प्रमोट करने के लिए, वाले से कोई टूरिस्ट ऐसे नहीं आता है, उसके लिए कश्मीर जेके टूरिज़्म को बहुत मेहनत लगती है यहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए, कश्मीर को प्रमोट करने के लिए,
एजेंट्स को यहाँ पे आके मार्केटिंग करने के लिए वो चीज़ें लगती है छोड़ने के लिए। नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हर एक स्टेट में, हर एक डेस्टिनेशन में, वो अपना अपना बहुत हमारा टूरिज्म का, हमारे जेके टूरिज्म का बहुत हमेशा यही अहम रोल रहता है कि हमारे जो ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं उनको हम किसी भी स्टेट में स्पेस दे के ताकि वो अपनी मार्केटिंग करें, कश्मीर को बहुत ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। जी, पहले ही आपको अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरशाद है, मेरा कंपनी का नाम जो है लोन टूर्स एंड ट्रैवल्स। आई एम दिस फील्ड लास्ट 15 इयर्स ओल्ड, जो मैं टूरिज्म में बढ़ावा जैसे स्टॉल हम जैंड के टूरिज्म की तरफ से मिल रहे हैं, हर जगह मिल रहे थे, तो उससे हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है कश्मीर आने के लोगों के लिए, कहाँ का न्यू डेस्टिनेशन लॉन्च हो गए, तो इसके लिए हमारे जैंड के जो टूरिज्म ने बहुत कदम उठाया है कि न्यू डेस्टिनेशन जो लॉन्च किया है उसके लिए हमारे लिए टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है कश्मीर में। जी देखो, न्यू डेस्टिनेशन उन्होंने लोलाब किया, कैरन सेक्टर किया, टीटवाल किया, गुरेस वैली छोड़ा, ठीक है, और बाकी जो भी यहाँ पे साधना टॉप वगैरह जो भी है वो फॉर टूरिज्म वेरी सेफ ही लास्ट टू ईयर्स, जो लास्ट दो साल से जहाँ आप डेस्टिनेशन में टूरिज्म क्या बहुत सेफली आए और बहुत अच्छे से बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बिल्कुल कामयाब है। जैन के टूरिज्म में जो भी कोशिश कर रहे हैं, जैन के टूरिज्म बहुत ये कदम उठाया उन्होंने कि जिसमें हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। कंपनी नाम है अनिमा टूर एंड ट्रैवल्स। हमारा आज के 12 बचर आगे हमारा जात्रा करी जाए, तो हमारा प्रथमत काश्मीर दिए शुरू कर।